अब 2024 को लेकर के राजस्थान की 12 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। वहीं भाजपा कार्यालय पर कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही है। प्रदेश भाजपा मुख्यालय की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही है। राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया 7:15 से जारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रदेश भाजपा कार्यालय की, जहां पर कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही है। प्रदेश भाजपा मुख्यालय की ये तस्वीर। पहला चरण है और पहले चरण में 12 लोकसभा सीटों पर मतदान है। निर्वाचन विभाग अपने स्तर पर मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन बीजेपी कार्यालय में कंट्रोल रूम ये बनाया गया है। इस पर हम देखते हैं कि विधानसभा चुनाव में भी मॉनिटरिंग की गई थी और उस दौरान भी तमाम जो शिकायतें वहां पर आई थी उनको निस्तारित किया गया था। शिकायतों में अक्सर देखा जाता रहा है ईवीएम खराब हो गई, कहीं पर बूथ को कैप्चर कर लिया जाता है या फिर वोटिंग में कहीं धांधली नज़र वहां पर आती है। तो इन तमाम जो शिकायतें उनकी मॉनिटरिंग अलग अलग लोकसभा के हिसाब से यहां पर की जा रही है। ये पहले चरण के अंदर ये कंट्रोल रूम यहां पर बनाया गया और कंट्रोल रूम में तमाम जो लोग हैं वो यहां पर एक तरह से शिकायतें जो आ रही हैं उनको निस्तारित भी कर रहे हैं, उनकी शिकायतें भी सुन रहे हैं। नारायण पंचारिया जी हमारे साथ में। पंचारिया जी, किस तरह की शिकायतें अब तक आई हैं, कितनी लगभग शिकायतें आपके पास पहुँची हैं, खासतौर से ईवीएम नहीं चल रही है वो बंद? देखिए, कुछ एक बूथों पर शुरू में हुआ था कि ईवीएम में कुछ मिस्टेक है, ऐसे 5-7 शिकायतें आई थी, उसका निस्तारण हमने जैसे ही बात की वो हो गई। और बहुत बड़ी शिकायत ऐसी कुछ आ नहीं रही है। निश्चित मान के चलो कि जिस प्रकार के समाचार आ रहे हैं और सब कर रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी कतारें लाइनें लग गई है मतदाताओं की, उससे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था बीजेपी का अपना मतदाता सुबह प्रातःकाल और मतदान कर दे। तो हमारे कार्यकर्ता इस काम में पूर्णतया लगे हुए हैं। मां निश्चित हमें विश्वास है कि जैसे जो हमारा लक्ष्य था 25 की 25 सीटें, ऐसा ही ये जो 12 सीटों पर मतदान हो रहा है वहाँ भारतीय जनता पार्टी ही विजय की मॉनिटरिंग यहाँ पर की जा रही है। ओंकार सिंह लखाव जी से हम लोग बात करेंगे कि जो मॉनिटरिंग यहाँ पर की जा रही है उसमें खासतौर से शिकायतें जो यहाँ पर रही है वो किस तरह की यहाँ पर आई है। लखाव साहब, जो शिकायतें यहाँ पर आ रही हैं आपके पास में, वो बूथ कैप्चर की जैसी शिकायतें भी यहाँ पर? नहीं, बूथ कैप्चर नहीं है, कहीं स्लो हो रहा है, कहीं छोटी मोटी किसी समस्या के कारण कोई बात आ रही है, कहीं छोटा मोटा यूँ कहना चाहिए कि आपस के अंदर कहीं पहले तू वाला मामला चल रहा है, वो सबका समाधान किया जा रहा है सब कुछ। हमारा लोकसभा सीटों पर शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है? उम्मीद करनी चाहिए कि हमारे शासन को रहते हुए किसी प्रकार का कोई मतदान शांतिप्रिय मतदान होने में कोई बाधा नहीं पहुंचाई जाएगी, लोकतंत्र की पूरी रक्षा की जा रही है। जो विधानसभा चुनाव हुआ था बड़ी शिकायतें आई थी, आपने भी कहा था कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, वो चुनाव उस दौरान का और इस समय कुछ अंतर आपको नजर आया? अंतर है, पहले प्रशासन का दुरुपयोग किया गया था, प्रशासन से गलत काम कराया, उसके प्रति आक्रोश था। इस बार प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की शिकायत कहीं पर भी नहीं है। सुनिश्चित निष्पक्ष चुनाव हो और सारे मतदाताओं को मतदान करने का अवसर मिले, इस बात के प्रयास हो रहा है। तमाम जो टीम है लोकसभा वार मॉनिटरिंग कर रही है सब? हाँ, सभी लोकसभा भी कर रही हैं, पोलिंग बूथ वाइज भी जा रही है, शिकायतों का क्लासिफिकेशन भी है, जिस प्रकार की शिकायतें नीचे से आ रही है उसका समाधान कर रहे हैं। निर्वाचन विभाग से भी आप संपर्क करके उनको? निर्वाचन विभाग, जिला कलेक्टर, जो जिससे संबंधित शिकायत है उनको सूचना देना हमारा काम है, समाधान करना उनका काम है। लगातार जो लोकसभा वार की जो अलग अलग शिकायतें आ रही है उनकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, निर्वाचन विभाग से भी जो शिकायतें दुरुस्त हो सकती है उन तक भी बात वहां पर पहुंचाई जा रही है। जी जी अनिल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।